हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहित पारीक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये आप सब भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लव बर्ड की हांडी में सुराख कैसे किया जाता है और किस साइज़ की हांडी लव बर्ड के लिए सही रहती है, उन्हें किस साइज़ की हांडी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बजरी तोतों की हांडी में सुराख करने का भी एक वीडियो बनाया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में आसान ट्रिक बताऊंगा कि लव बर्ड की हांडी में कैसे सुराख किया जाता है और किस साइज़ का सुराख करना चाहिए और हांडी का क्या साइज़ हो। तो दोस्तों, ये लव बर्ड का मटका है, ये देखिए लव बर्ड का मटका है। मैं पहले आपको इस मटके का साइज़ बता देता हूँ कि इस मटके का क्या साइज़ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक अच्छा साइज़ है मटके का और इसमें एक अच्छी ब्रीड लेके भी आपको बताएंगे कि इसमें कैसी ब्रीड होती है। और अब आपको मटके का साइज़ बता दें, ये इंची टेप है जिसे हम नाप तोल का काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो गोलाई है, हम सबसे पहले गोलाई नापते हैं इसकी। ट्वेंटी एट इंचेस है दोस्तों, 28 इंच, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो अंदर से इसकी ऊंचाई नापते हैं, अंदर से यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, ये 7.5 इंच है, जिसमें से आधा इंच में ये ढक्कन आ जाएगा ये वाला, और फिर मतलब 7 इंच ऊंचाई है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 7 इंच होगी, ठीक है दोस्तों। और इसके जो आगे का ये जो गोला है, इसका जो साइज़ है ये 5 इंच है, 5 इंच है। और ये एक अच्छे साइज़ का मटका है और इसके अंदर हम नेक्स्टिंग भी करेंगे। और पहले इससे पहले आपको सुराग निकाल के बताते हैं कि इसमें लव बर्ड के लिए कितना सुराग होगा। दोस्तों, हम पेन से यहाँ पे एक गोल स्केच बना लेंगे जितना हमें सुराग करना होगा। ये देखिए दोस्तों, हमने एक गोल खड्डा करने के लिए हमने एक पेन से गोला बना लिया है, ये देखिए दोस्तों। और ये है, ये गुद्दा बोलते हैं इसे, गुद्दा और पोकर भी बोलते हैं इसे। ये दो तरह के गुद्दे हैं और इनसे हम सुराख करेंगे। और ये प्लास है, तो हम इसके एक जगह ही धीरे 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 इस गुद्दे से मारेंगे और इसे यहाँ से गोल घुमाएंगे। तो ये नोच प्लास है, ये आगे से तीखा होता है।
दोस्तों इसे हम रेती बोलते हैं, तो इसे अब धीरे धीरे घसेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने फाइनली सुराख कर लिया है। जहाँ तक हमसे गोल हुआ है वहाँ तक हमने गोल कर लिया है, और ये लोबट के साइज़ का हमने सुराख किया है। दोस्तों एक बार आपको सुराख का जो साइज़ है वो भी बता देता हूँ। ये हमने ये सुराख किया है, ये 3.5 इंची का है, 3.5 इंची का सुराख किया है हमने ये। और ऊपर से ऐसे देखें तो 2.25 इंची है, 2 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा। तो दोस्तों इतना सही रहता है लवबर्ड के लिए, और नीचे भी अच्छा स्पेस है। इसमें नेक्स्ट मटेरियल वगैरह डालेंगे और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट मटेरियल क्या डालते हैं हम लवबर्ड के लिए, और कौन सा नेक्स्ट मटेरियल अच्छा रहता है लवबर्ड के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मटेरियल का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि लवबर्ड को कौन सा नेक्स्ट मटेरियल दिया जाता है और कौन सा नेक्स्ट मटेरियल आसानी से हमें मिल जाता है। ज़्यादातर यही डिमांड रहती है कि नेक्स्ट मटेरियल नहीं मिलता, तो मैं अगले वीडियो में एक ऐसा नेक्स्ट मटेरियल बताऊँगा जो कि आसानी से हमें हर जगह उपलब्ध हो जाता है, और अगर उपलब्ध ना हो तो उस स्थिति में हमें कौन सा नेक्स्ट मटेरियल देना चाहिए वो सब बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक की इजाज़त देना।